अस्सलाम वालेकुम। सामान शाह ब्लाग में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। सामान शाह आपके दिन में एक बार फिर हाजिर है। आज का ब्लाग करते हैं शुरू में। जब सब लोग हैरी से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े शजे कर रहे होंगे, लाइफ को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे, खुशपाश रह रहे होंगे, तो आज का ब्लाग जो है वो आज जुमा है। आज जुमा की नस्बत से जुमा वगैरह भी पढ़ेंगे और साथ में एक अभी सुबह जो है वो मैं उठा हूँ, नाश्ता करेंगे मुँह शूज धो के, क्योंकि मैं रात को थोड़ा लेट सोया था, काम था कुछ, तो उसके बाद अभी जाना है दराज की शॉप पे, क्योंकि मैंने एक स्पीकर मंगाया हुआ था अडियाने का, छोटा सा, वो मुझे मतलब घर में ज़रूरत पड़ सकती है और अडियाने का स्पीकर होना चाहिए छोटा सा, तो इतना छोटा था ना हम मंगाया हुआ था, तो अभी वो लेने जाना है। दराज वालों का जो है वो मैसेज आ गया हुआ है कि आपका जो है ना स्पीकर हमारी वेयर हाउस पे पहुँच गया हुआ है, तो मैं मोस्टली वेयर हाउस पर ही मंगवाता हूँ चीज़ें, क्योंकि ये होता है कि आप घर भी मंगवा सकते हो लेकिन उसके चार्जेस ज़्यादा पड़ जाते हैं, 70-80 रुपये ज़्यादा पड़ जाते हैं, मेरे 10-15 रुपये लगने हैं यहाँ से पेट्रोल के, और मैंने वेयर हाउस से चीज़ें ले आनी है, और साथ में आपको भी दिखाता हूँ कि कैसे वेयर हाउस से चीज़ें लेते हैं। मेरे पास कोड होता है क्यू, वो होता है वन टाइम पासवर्ड, लाइक वो छोटा सा पासवर्ड होता है, छोटा सा कोड होता है, वो उधर जाके उनको देना होता है, तो उस हिसाब से वो जो है वो आपको चीज़ दे देते हैं, तो जो कोड होगा उस हिसाब से आपको चीज़ मिलेगी। तो आइए चलते हैं, और सबसे पहले दराज से चीज़ें लेके आते हैं, पर्स लेके आते हैं, उसके बाद नाश्ता वगैरह करेंगे, खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद जो है वो जुमा वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद जो रूटीन होगी फिर आपसे शेयर होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, और अगर आप चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लिया करें, और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि और इस तरह की वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आइए चलते हैं दरात के वेरोस। पार्सल जो है वो ले आया हूँ, अब इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग क्या करनी है पता तो है इसमें क्या चीज़ है। ये पार्सल है, ये सराह मैंने खुद किया है, क्योंकि वो जो है मोटरसाइकिल के साथ वो लटकाना था, सराह खुद कर लिया। अच्छा इसमें ना, इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमें पड़ा है तकरीबन तकरीबन 7.5 से 7.25 के दरमियान, क्योंकि मैंने मंगवाया था, क्या नाम है, वेयर हाउस पे मंगवाया था, तो इसलिए मुझे डिलीवरी चार्जेस इतने नहीं पड़े। अगर आप वेयर हाउस पे नहीं मंगवाते, लाइक अगर आप घर पे मंगवाते हैं तो फिर डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा पड़ते हैं, तो इसमें यह है कि डिलीवरी चार्जेस जो है ना वो कम पड़े हैं। आइए इसको देखते हैं, खोलते हैं और इसमें देखते हैं क्या चीज़ें हैं। अब मेरा एक हाथ इधर, एक हाथ कैमरे में, तो ऐसे तो नहीं होगा। ये मुझे एक बात की समझ नहीं आती, पता नहीं लोग कैमरे से डरते हैं कि वो घबराते हैं या क्या चीज़ है। तो वो मैं कल वीडियो बनाने गया, मैंने कहा एक सेल लगी हुई थी फर्नीचर की, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊंगा, मैं वीडियो बनाने गया, तो उसमें ये हुआ कि मैंने कुछ वीडियोस बनाई, फिर वो एक बंदा आ गया कहता है आप वीडियो ना बनाएं,
तो यहाँ पे लो नहीं है, कैमरा तस्वीर बनाना लो नहीं है, वीडियो बनाना। मैंने कहा वीडियो नहीं बनाऊंगा तो आपकी प्रमोशन कैसे होगी, आप फर्नीचर कैसे बेचेंगे, आपने नई शॉप लगाई है और सेल लगाई हुई है, लोगों को कैसे पता चलेगा कि जो है वो आप। तो इस तरह के लोग होते हैं, वो कहते हैं हमारे डिज़ाइन चोरी हो जाते हैं। चले कोई नहीं, खैर अल्लाह उनको हदायत क्या देनी है। बस ये है कि वो जहाँ भी मैं जाता हूँ तो कुछ ना कुछ इस तरह की वो आ जाती है, रेजिस्टेंस आ जाती है, जिसकी वजह से बड़ी वीडियो जो है वो रह जाती है। अभी पार्सल ओपन करते हैं, थोड़े से बातें हैं। ओ टन, ये आ गया हमारे पास ब्लूटूथ वाला स्पीकर, आडियाना का हमने मंगवाया था। ये देखें, अब इसको ना हम, ये शॉपर है, इसमें सिर्फ आपका नाम वगैरह लिखा होता है। ये देखें इधर मेरा लिखा हुआ है, और एड्रेस वगैरह जो है वो मैं मेंशन नहीं करता, मैं सिर्फ। अब इसको ओपन करते हैं, Solo X5 इसका नाम है, और डीप बेस हाई फाई साउंड है, ऑडियनिक साउंड मास्टर है, और स्मॉल साइज लाउड साउंड है। अच्छा, इसकी 1 साल की वारंटी भी है, मैंने पढ़ के सारा कुछ जाना किया था, और ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप हाथ में ले के चीज़, लाइक अगर आप हाथ में लेके जाते हैं, या छोटा सा चीज़ होती है, या कोई भी आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, साथ में छोटे से स्पीकर यूज़ करना चाहते हैं जो, तो ये बेस्ट है। इसको हम ओपन, क्योंकि अडियाना का एक नाम है, अडियाना पाकिस्तान में तो है, पता नहीं बाहर की कंट्रीज में है या नहीं है। इसको हम ओपन करते हैं, टेपे शेपे उन्होंने वावे वावे लगाई हुई हैं। अच्छा जी, यहाँ से होगा ओपन, ओ लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द आडियानिक स्पीकर। इसमें एक ये वायर है, ये जो होती है चार्जिंग पोर्ट होती है कोई भी स्पीकर वगैरह की। उसके बाद ये स्पीकर है, वाह ये इतने ग्रिप है, लाइक ये देखें इतना सा है, ठीक है। और इसमें है मीडियम और साउंड वगैरह के ऑप्शन हैं, वहाँ पे आप इधर चार्जिंग लगा सकते हैं, इधर आप वो भी लगा सकते हैं, लाइक अगर आपका ब्लूटूथ नहीं चल रहा तो वो आप वो हैंड फ्री वगैरह वाला भी सिस्टम लगा सकते हैं, इधर आप मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं, USB भी लगा सकते हैं, तो ये बेस्ट है। तीसरा एक और इनकी बात कि ये है वारंटी कार्ड, अगर 1 साल के अंदर अंदर हमारा वारंटी कार्ड जो है वो मतलब अडियाने के स्पीकर को इशू होता है, तो हम ये वारंटी कार्ड फिल करेंगे, साथ ये दोबारा देंगे तो ये हमें नया दे देंगे। वाह जी वाह, अडियाने का जो मेन है गुजरात में वो है सिराज प्लाजा, गुलजार मदीना रोड पे है ये, ठीक है, वहाँ पे हम वारंटी क्लेम करा सकते हैं अगर आप हमारा कोई इशू आता है। चलो जी, ये है हमारा वारंटी कार्ड और ये है स्पीकर। हम आप स्पीकर का रिव्यू करते हैं यहाँ से, ये ऑन हो गया, The Bluetooth device is ready to. The ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, Bluetooth डिवाइस device इज is ready रेडी to टू pair. पेयर। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं मोबाइल के साथ और आपको सुनाता हूँ कुछ चीज़। ये देखें आवाज़, चेक करें आवाज़, आहा मज़ा आ गया यार आज तो। बेस भी बहुत अच्छी है, बहुत कमाल की बेस है, यहाँ पे क्वालिटी भी सुनिए। ये देखिए, आहा यू फील इट बट यू गॉट इट ऑल। बहुत लाउड वॉइस है यार, बहुत लाउड आवाज है, बेस बहुत अच्छी है इसकी। ख्वातीनों हजरात, तो नाजरीन मैं इसकी कोई प्रमोशन वगैरह तो नहीं कर रहा, ये मैंने खुद अपने लिए लिया था, और ये अडियाना का स्पीकर है और बहुत मज़े का स्पीकर है। आप भी इसको
अगर चाहें तो ले सकते हैं। अभी प्राइस भी मकूल सी है, 750 रुपये का आपको मिल जाता है। और यहाँ पे आपको बेस बहुत अच्छी देख सुनने को मिल जाती है, वो आवाज़ बड़ी है, बहुत ज़्यादा आवाज़ है, बैटरी टाइमिंग काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि आडियानक है, नॉर्मल कंपनी नहीं है, और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप भी खरीद लीजिएगा। अभी हम नाश्ता शिश्ता करते हैं, उसके नाश्ता करना है तो अभी हमने नाश्ता करना है, नाश्ता करने के बाद जो है वो जुम्मा की तैयारी करनी है क्योंकि जुम्मा जो है वो पढ़ना है। तो दोस्तों मेरी तरफ़ से आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो, आप सब दुआओं में याद रखा करें, दुआ किया करें मेरे लिए, अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, बहन भाइयों के लिए। और हाँ एक और बात, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो डेंगी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लाइक शहरों में जिनमें लाहौर बहुत ज़्यादा डेंगी जो है वो फैल चुका हुआ है, तो गुजरात में भी केसेस हैं, बाकी शहरों में भी हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि मॉस्किटोज़ का जो के जो बचाव के तरीके होते हैं, जो मच्छरों के बचाव के तरीके होते हैं वो अपनाया करें, अपने आप को महफूज रखें, मोर्टिन का इस्तेमाल किया करें, कोई भी मच्छर भगाओ जो तरकीब होती है उसका इस्तेमाल किया करें, मच्छरदानी अगर आप यूज़ कर सकते हैं, आजकल नई नई मच्छरदानी आई हुई हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया करें ताकि आप लोग इस जो है वो मौलिक वबा से महफूज रह सकें, क्योंकि डेंगू जो है वो बहुत जानलेवा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। और हमारे अपने टीचर जो हैं, जो हमारे मतलब यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, उनकी जो बेगम है उनकी भी डेथ इसी वजह से हुई है। अभी अभी मैं एक और दोस्त हैं उनके मामू की डेथ हुई है, तो इसलिए डेंगू से जो है वो आप बचाव करें, बाकी कोरोना से जो बचाव कर ही रहे होंगे, मास्क का इस्तेमाल लाजमी कर रहे होंगे, हैंड सैनिटाइज़र वगैरह जो है वो यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन अभी जो मेन कंसर्न है वो हमारा डेंगू है। तीसरी एक और कि गर्मी जा ही नहीं रही, मैं तो रोज़ देखता हूँ कि उठ के देखता हूँ लो जी फिर वही धूप, फिर वही सारी चीज़ें, अक्टूबर एंड होने वाला है और गर्मी जो है ना वो एंड नहीं हो रही, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह हैर करेगा, कभी तो ख़त्म होगी ना और ठंड आएगी ना गुजरात में भी। दोस्तों अभी जो है वो 2:47 यानी 2:47 हो चुके हैं, 2:47 हो चुके हैं, और 3-4 बजे जो है ना वो मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, मैं एज ए फार्मासिस्ट जॉब कर रहा हूँ तो उसमें ड्यूटी फिर जाहिर सी बात है जाना पड़ता है, टाइम से जाना पड़ता है, तो 4 बजे तक मैं फ्री होता हूँ, 4 बजे के बाद जो है ना वो हमारी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, तो अब ये है खाना वगैरह खाते हैं, खाना वगैरह खाने के बाद फिर ड्यूटी वगैरह जो है ना वो ड्यूटी वगैरह पर जाते हैं। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लिया करें, और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी अच्छी तरह प्रेस कर लिया करें ताकि नई नई वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, इस तरह की ब्लॉग्स आपको बासानी मिलती रहें। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, मेरा आपका और हम सबका अल्लाह निगेबान।